अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। ये शेफ़ हाउसन के डाउनटाउन का इलाका यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे एक एंट्री का ये जो मीनार है यहां पे लिखा हुआ है, ये मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि ए इंसान यहाँ पे दाखिल होते वक्त अपनी आँखों को खुला रख, यानी कि यहाँ पे देखने को इतनी चीज़ें हैं। ये एक इंतहाई तारीखी जगह है स्विट्ज़रलैंड में। दिन के 11 बजने वाले हैं और इतराफ़ में मौजूद पब्स बार्स खुलने शुरू हो गए हैं। विजिटर्स की आमद अब कुछ देर में शुरू हो जाएगी। आज लकीली मौसम भी कुछ खुशगवार है, सुबह खासी बारिश हुई है। ये 1938 में इसको तामीर किया गया था और ये एल्प्स से जो बहता हुआ पानी आ रहा है वो पानी यहाँ पे आके इसको ड्रॉप हो रहा है और ये पीने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो विज़िटर्स आते हैं वो यहाँ से इस पानी को पीते हैं। ये 1838 से ये यूं ही जारी है। ये सारा डाउनटाउन का इलाका है शेफ़ हाउसन का और ये आज चूँकि संडे है, तमाम बाज़ार बंद है, बिल्कुल सन्नाटा है और सुकूत का आलम है। ये इमारतें देखें, ये 1586 की तामीर शुदा इमारत है। ये खूबसूरत पेंटिंग हुई हुई है और ये उसके रंग और रोगन उसी दौर का है। ये एक इमारत है जो 1728 की बनी हुई है। ये हमारे बचपन की चीज़ गुलैल जिससे हमने बहुत खेला है। वाह, ये 16.5 फ्रैंक की है। ये तमाम वॉल क्लॉक्स हाथ से बनाए गए हैं और इंतहाई आला महारत का सबूत दिया गया है। बहुत खूबसूरत। Nice to meet you. Thank you very much. Thank you very much. Would you like to say something about this handicraft? The handicraft, the cuckoo clocks original from the Black Forest. Okay. Starting in late 1700. Okay. With the mechanical stuff. Uh-huh. And we sell this here because we're just about 1 hour from the Black Forest. Yeah. They're also Swiss made cuckoo clocks. But they are a little bit different and a little bit more expensive than the Black Forest. And they are handmade, right? And they are handmade, yes. Mm-hmm. This is a product of this area, especially this area? All over Switzerland? You can buy nearly all over in Switzerland, yes. Mm-hmm. Okay, okay. There are many places in Zurich, Lucerne, uh-huh. Interlaken, uh-huh. where they also sell the cuckoo clocks. Right. This is a very famous knife of Switzerland, Victorinox. Uh-huh. Over 130 years, they produce. 130 years they're producing them already. Yes, mm-hmm. All made in Switzerland. Switzerland. Yes, it's Swiss made. And what's the price? Starting from 990 up to 400. 400 mm-hmm. franc. Yes, we have a very big one, which God. Is over 400 franc. Oh my God. Yes. Oh. And sometimes we have the special limited edition. Uh-huh. It can go also up to 500 or 600. But this is very special and very limited. Limited edition. Thank you, Mr. Thank Andreas. You. Thank you very thank much. Thank you too. You have too. A nice thank day. You. Thank you. Thank you. ये दुनिया का इंतहाई मशहूर मारूफ और ये चाकू है जो पूरी दुनिया में इसको 130 साल से मार्केट में है और ख़ासा कीमती है, तस्वूर किया जाता है। ये चाकू है, इनकी कीमत जो है वो 100 फ्रांक से लेके 500 फ्रांक तक है। ये खूबसूरत इमारतें, बिल्डिंग्स, ये
1688 की बनी हुई हैं, और इन पे जो बनी हुई जो पेंटिंग्स हैं इनकी आबोताब आज भी बरकरार है। 1688 की बनी हुई हैं। ये 1478 की बनी हुई बिल्डिंग है, और इसमें ये जो इसके बाहर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जब जहाज़ यहाँ पे चला करते थे उन जहाज़ों से जो सामान आया लाया जाया करता था तो उसका तरीक़ेकार क्या हुआ करता था। तो 1478 और ये इसकी पेंटिंग्स के कलर भी बाकी हैं। होटल रेस्टोरेंट एडलर, ये 1609 का बनाया हुआ ये मोनूमेंट है, और ये यहाँ के कल्चर की अक्कासी कर रहा है। ये है रिवर रैन, इंतहाई हसीन मंजर, इंतहाई हसीन नज़ारा। बिल्कुल शफाफ पानी है, इतराफ में बने बने ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। इस शहर की जो कदीम इमारत है वो यूनेस्को ने उनको हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। मौसम मुस्तकिल रंग बदलता रहता है, अभी कुछ देर पहले धूप थी अब फिर बादल छा चुके हैं।
रिवर राइन में इंतहाई हसीन नज़ारा। और ये एक छोटा क्रूज़ जो है ये जर्मनी से आ रहा है। ये यहाँ से छोटे छोटे क्रूज़ चलते हैं जो जर्मनी जाते हैं और जर्मनी से पैसेंजर्स को लेके, ट्रैवलर्स को लेके यहाँ पर आते हैं। साइकिल का यहाँ पे इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है और ट्रैवलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो साइकिल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खासी सहूलत हासिल है, यानी कि आप उसको बस में भी ले जा सकते हैं। बस में बाकायदा आपको जगह दी जाती है, बस में, ट्राम में, तो आप उसको अपनी साइकिल को साथ कैरी कर सकते हैं। शेफ हाउसिन के से 5 किलोमीटर के फासले पे ये एक मुकाम है, एक तफरीही मुकाम है और इसका नाम है आल पैराडाइज। तो स्विट्ज़रलैंड में उसको पैराडाइज कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा यह समझा जा सकता है। ये सारा इलाका कैंटोन ज़ूरिख की हदूद में आता है ये। और अब इससे हम कुछ देर बाद दाखिल हो जाएंगे शेफहाउसन के एरिया में। ये रिवर है जो बाइफरकेट कर रहा है ज़ूरिख कैंटोनियन और ये शेफहाउसन को, दो प्रोविंस जो है उसको, उनको बाइफरकेट कर रहा है ये रिवर। यह एक कैसल है और जो शहर की हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे ये एक रोज़ गार्डन है जहाँ के लिए ये कहा जाता है कि दुनिया भर के जो गुलाब हैं वो सारे यहाँ पे जमा कर दिए गए हैं। वाओ, खूबसूरत, दुनिया के खूबसूरत गुलाबों का बहुत खूबसूरत यहाँ पे इंतखाब किया गया है। और एक चीज़ जो आप यकीनी तौर पर नहीं महसूस कर सकते वो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो है खुशबू। इन गुलाबों से फूटती हुई खुशबू बहुत सहरंगेज है। वाओ, ये है इंतहाई हसीन जगह रोज गार्डन। ये है कैसल और ये इसका इस्तेमाल जो था वो शहर की हिफाजत के कर्ज़ से किया गया था। इसकी तामीर जो है वो 1400 ईस्वी में हुई।
ये एक बहुत दिलचस्प इत्तला मिली कि ये अंगूर के बेलें हैं। ये अंगूर की बेलें अमूमी तौर पे अंगूर की बेलें ही हुआ करती हैं जो फैली भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन अंगूर के बेलों को एक ख़ास स्टाइल में इनको खड़ा किया गया है। और ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दूर से देखने पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई ये सोल्जर्स खड़े हुए हैं इस कैसल की हिफाजत के लिए। तो ये एक इम्प्रेशन देने के लिए कि इसकी हिफाजत की जा रही है, ये अंगूर के बेलों को इस अंदाज से खड़ा किया गया है। ये सामने रिवर राइन बह रहा है, ये इनके शेफ हाउसन का डाउनटाउन है ये। और एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। ये कैसल के अंदर का इलाका है ये, और फ़र्श इसका बिल्कुल पथरीला है, बिल्कुल रफ़ है। और इसका जो बताया गया उसका मकसद ये है कि यहाँ पे घोड़े दौड़ते थे, घोड़ों के आने जाने का रास्ता था, तो इसलिए इसको रफ रखा गया है। एक ख़ास बात इसकी और एक ये भी है कि यहाँ पे बंद होने के बावजूद एक ख़ास अंदाज की तामीर की गई है कि यहाँ पे कोई ईको पैदा नहीं होती, वरना अमूमी तौर पे जहाँ इलाका जो हिस्सा बंद होता है वहाँ पे ईको पैदा हो जाती है। इसके लिए ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखा गया है यहाँ पे। ये है राइंस फॉल, इंतहाई दिलकश मुकाम। इंतहाई दिलकश मुकाम है ये स्विट्ज़रलैंड में, ये रॉयन फॉल्स। इसके लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, और आज चूँकि छुट्टी का दिन है, संडे है, तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे।